फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल टुडे? वेलकम यू ऑल टू माय होम. होम मींस मेरे चैनल पे आप सभी का स्वागत है. तो अब क्या हो रहा है कि आप देख ही रहे हो, समर्स जो है अभी आ चुके हैं. समर्स हैव अराइव्ड यू गाइस. तो मैंने तो अपने यू नो ऐसे ही कंफर्टेबल से और कोजी कोजी से क्लोथ्स निकाल लिए हैं समर में पहनने के लिए. और मैंने सोचा अब समर्स जब आ जाते हैं ना, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, मेक आवर स्किन समर रेडी. ओके, बिकॉज क्या होता है, समर्स में इतना ज्यादा ऑयल और सीबम जो है हमारे फेस पे और सन रेज भी इतनी ज्यादा हार्श है ना, जिसकी वजह से हमारे फेस पे टैनिंग भी हो जाती है. तो मैं आज क्या करने वाली हूँ, आज मैं आपको बताने वाली हूँ कि आप अपने स्किन को समर रेडी कैसे करोगे, स्किन को समर्स के लिए प्रेप कैसे करोगे, ऑयल कंट्रोल कैसे करोगे, टैनिंग से अपने फेस को कैसे बचाओगे. ठीक है, तो चलिए, अगर आपको जानना है ये सारी चीज़ें तो कीप ऑन वॉचिंग माई वीडियो. और ये आज का सेटअप अगर आपको अच्छा लग रहा हो तो एक हिट लाइक तो ज़रूर दे दो यार. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं जल्दी से इस वीडियो के साथ में. लेट्स गेट स्टार्टेड. तो फर्स्ट स्टेप में हम क्या करने वाले हैं, अपने फेस को ना आइस मसाज देने वाले हैं. तो अगर आपके भी ऐसे बहुत ज़्यादा ऑयल निकलता है ना फेस पे से, आपकी सुप्रीमली ऑयली स्किन है, सो दिस इज द प्रोडक्ट फॉर यू. आप इसको किस तरीके से यूज़ करोगे? सो गाइज, मैंने इस आइस मसाजर को ना फ्रीजर में रख दिया था फॉर गुड लाइक 10 to 15 मिनट्स. और मैंने इसमें कुकम्बर के भी कुछ स्लाइसेस एड कर दिए थे वाटर के साथ में. और ये भी आप देख रहे हो कितना अच्छा एक कुकम्बर का और आइस का जो है मिक्सचर मुझे मिल रहा है फेस पे. तो अगर आपकी ऑयली स्किन है ना, तो आपको ये रेगुलरली करना चाहिए, जिससे कि आपका जो सीबम प्रोडक्शन वगैरह है वो भी नहीं होगा और आपका ऑयल जो है वो कंट्रोल में आ जाएगा. आई जस्ट लव दिस मेथड. नाउ अभी आपने आइस मसाज देख ली कि आपको किस तरीके से करना है. नाउ सेकंड स्टेप में आपको जो है फेस वॉश करना है, उससे सारी टैनिंग भी रिमूव होती है. नाउ लेट मी टेल यू कि मैं कौन सा फेस वॉश यूज कर रही हूँ आजकल फॉर रिमूविंग द टैनिंग ऑफ माय स्किन. आई एम यूजिंग दिस फेस वॉश फ्रॉम द ब्रांड मामा अर्थ. और ये है मामा अर्थ का उपटन फेस वॉश, आप देख सकते हो. और ये आ जाता है टर्मरिक एंड सेफ्रन के साथ में. और बेसिकली दिस इज फॉर द टैन रिमूवल पर्पज. नाउ समर्स में इतनी ज्यादा टैनिंग हो जाती है, उसको रिमूव करने के लिए कोई भी आप ऐसे बेसिक फेस वॉश अप्लाई करते हो, सो इट विल नेवर गोना वर्क ऑन योर फेस. आपको चाहिए एक ऐसा फेस वॉश जो स्पेसिफिकली आपके फेस की टैनिंग रिमूव करे. सो गाइस, दिस मामा अर्थ उपटन फेस वॉश हैज टर्मरिक. तो टर्मरिक जो होती है, इट रिवाइव्स नेचुरल ग्लो ऑन योर स्किन. एंड अभी आप देख सकते हो इसका जो टेक्सचर है वो मुझे काफी ज्यादा पसंद है. इसमें छोटे छोटे से बीड्स हैं, पार्टिकल्स हैं, जो कि आपका एक्सफोलिएशन भी कर देते हैं. इट हैज सैफ्रन ऑल्सो विच मेक्स द स्किन रेडियंट एंड हैज अ सूथिंग इफेक्ट. तो आप अपने पूरे फेस को अच्छे से यू नो इससे क्लीन कर सकते हो. इट गिव्स यू अ ग्लोइंग स्किन, हैज द नेचुरल गुडनेस ऑफ उपटन. आप हैंड्स पे भी इसको अप्लाई कर लो. एंड ऑल्सो शादी वाला ग्लो अगर आपको चाहिए तो आप इसको इस वाले फेस वॉश से डेफिनेटली अचीव कर सकते हो. इट इज अ मेड सेफ सर्टिफाइड प्रोडक्ट एंड सेफ फॉर एवरीडे यूज. एंड इट ब्राइटन्स द स्किन एंड गिव्स स्किन ग्लो. अभी आप देख सकते हो कितना अच्छा हेल्दी ग्लो मेरे स्किन पे आ चुका है. सो गाइज, मामा अर्थ इज अ प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड. दे रिसाइकल मोर प्लास्टिक देन दे यूज. एंड ऑल्सो इट इज एन इंडियन ब्रांड. एंड नाउ लेट मी टेल यू दैट इनके जो प्रोडक्ट्स हैं, दे आर फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स. जो है आपको mamaearth.in पे मिल जाएंगे. मामा अर्थ की जो ऐप न्यूली लॉन्च हो चुकी है उस पर भी मिल जाएगा. Amazon पे, नायका पे, Flipkart पे, पर्पल पे, इन सारी जगहों पे आपको मिल जाएगा. और यहाँ पर मैं एक कूपन कोड दे रही हूँ 20% ऑफ का, है ना, अमेजिंग डील. तो जल्दी से जाओ और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो भी लिंक दिया है उसको क्लिक करो. तो अभी हाईली रिकमेंडेड है बाय मी. चलो गाइज, ये दो स्टेप आपने कर लिए. नाउ थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, दही लेना है. यस, जल्द से जाओ अपने किचन में या फिर फ्रिज में और दही का पैकेट ढूंढ के ले आओ. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रेकमेंड कि आप जो है अपने हैंड से इसको मसाज कर लो अपने फेस पे. तो एक तरीके से आपकी स्क्रबिंग भी हो जाएगी. अगर कोई टैनिंग की लेयर चढ़ी हुई है ना, तो इससे वो तुरंत ही दूर होगी. फिर आप जब मसाज करके रख लोगे तो 10 मिनट्स तक इस फेस पैक को अप्लाई करके रखे रहो
और फिर 10 मिनट्स के बाद ठंडे पानी से आप इसको जो है वॉश कर दो। और रेगुलरली करना है इसको, मतलब वीक में 3 टाइम्स भी अगर आप इसको अप्लाई कर लेते हो फेस मास्क को, तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। मैंने ये 1 टाइम के लिए ही बनाया है। अगर आप चाहो तो थोड़ा सा ज़्यादा बना के फ्रिज में लाइक स्टोर कर सकते हो, और यस यूज़ कर सकते हो अपने फेस पे एवरी वीक 3 टाइम, और काफ़ी अच्छा ये रिज़ल्ट आपको देखता है। जैसे कि मैंने आपको बताया इसमें कर्ड मिक्स है, तो कर्ड जो है लैक्टिक एसिड है और वो आपकी स्किन की टैनिंग को तुरंत ही दूर करता है। बेसन से भी आपकी टैनिंग रिमूव होती है। तो अभी आप देख सकते हो ये इस तरीके का फेस पैक हो गया है ड्राई होके, ठीक है। आप देख लो के बाद में आपको वॉश कर देना है अपना फेस। तो मैंने फेस वॉश कर लिया है एंड इट हैज़ गिवन मी अ गुड रेडियंट स्किन। सो यस आई एम लविंग दिस मेथड और मैं इसको काफ़ी फॉलो भी करती हूँ, तो आई विल रेकमेंड यू ऑल। सो यस गाइस, यही थे मेरे सारे स्टेप्स फॉर रिमूवल ऑफ टैनिंग ऑन योर फेस और ऑयल प्रोडक्शन को आप कैसे कंट्रोल करोगे। अगर ये सारे पॉइंट्स आपको अच्छे लगे हो तो प्लीज इट लाइक जरूर करना, और मेरे चैनल के लिए न्यू तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। आगे बहुत ही अमेजिंग से वीडियो मैं लेकर आऊंगी। तो चलिए फिर मिलेंगे किसी और वीडियो के साथ में। टिल देन स्टे ब्यूटीफुल, स्टे स्टाइलिश, बाय बाय।